जय शनिदेव मित्रों, मैं सचिन शर्मा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और शनिदेव से प्रार्थना करता हूं कि सभी लोगों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें और आप लोगों की मनोकामना पूर्ण करें। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए जुलाई 2020 कैसा रहेगा। देखिए, हम इस वीडियो में सिर्फ वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए ही चर्चा करेंगे कि उनके लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। देखिए, यदि आप ही कुंडली के प्रथम भाव में 8 नंबर लिखा है और उसके साथ उसी भाव में LA लिखा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, या यदि आप हिंदी में कुंडली अपनी देख रहे हैं तो लगन कुंडली की बात मैं कर रहा हूँ, तो वहाँ प्रथम भाव में LA के स्थान पर ला लिखा होगा जैसा कि आप देख रहे हैं, तो यह मासिक राशिफल जुलाई 2020 आपके लिए है। बाकी सभी लग्न के लिए आप मेरे दूसरे वीडियो देख सकते हैं। मैं यहाँ आपकी लगन कुंडली का डिटेल एनालिसिस करता हूँ और ग्रहों की मूवमेंट के अनुसार अर्थात ग्रहों के गोचर के अनुसार आपको प्रेडिक्शन मैं करता हूँ। देखिए, ये एनालिसिस मैं एक्सेल शीट पर करता हूँ जैसा कि आप देख रहे हैं, और इसमें मैं बहुत अधिक मेहनत करता हूँ जिससे आपको आपकी कुंडली का डिटेल एनालिसिस प्राप्त होता है। मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स का धन्यवाद करता हूँ जो लोग मुझे मेल करते हैं और मेरी इस मेहनत को अप्रिशिएट करते हैं, और आशा करता हूँ कि आप लोगों का प्यार मुझे ऐसे ही मिलता रहेगा और मैं अपनी पूरी मेहनत से आपके लिए ये हर महीने का राशिफल एनालिसिस करता रहूँगा। इसमें मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में ही बहुत अधिक रिसर्च की है, तो मैं जब आपके स्वास्थ्य के बारे में अपने एनालिसिस में बताता हूँ तो आप उसको सीरियसली लें, क्योंकि जान है तो जहान है। आप हेल्दी रहेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और तभी आप और अधिक पैसा कमा पाएंगे। मैं अपने वीडियो के अंत में आपको जो उपाय बताता हूँ वो आपको आपकी वर्तमान स्थिति में जो समस्या आपकी चल रही है, जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, उसको देखते हुए मैं बनाता हूँ जिससे आपको लाभ प्राप्त हो सके, और ये लाभ आपको जीवन के हर पहलू में दिखेगा, चाहे वो आपके परिवार संबंधित हो या आपके फाइनेंस या वित्त संबंधित हो या आपके कैरियर संबंधित हो या आपके हेल्थ से संबंधित हो। तो ये उपाय आप जरूर करें, और यदि आप इन उपायों को लंबे समय के लिए करते हैं तो आपको इसका दीर्घकालिक लाभ प्राप्त होगा, अर्थात आपको लंबे समय तक इसका लाभ प्राप्त होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ यहाँ पे तिथि बताऊंगा जो आपके लिए यूजफुल हो सकती हैं। देखिए, जैसे कि 1 जुलाई को देवशयानी एकादशी है, 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, 5 जुलाई को ही चंद्र ग्रहण है, इसका आपने विशेष ध्यान रखना है, 2 जुलाई और 18 जुलाई को प्रदोष व्रत है, 20 जुलाई को सोमवती अमावस्या है, 23 जुलाई को हरियाली तीज है और 25 जुलाई को नागपंचमी। तो ये थी कुछ जुलाई के महीने में तिथियां। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। देखिए, हम पहले बात करते हैं, देखिए आपके व्यवसाय और कैरियर संबंधित जुलाई का महीना कैसा रहेगा। देखिए, 21 जुलाई तक का समय आपके कार्य या बिजनेस के लिए पॉजिटिव पीरियड नहीं है, अर्थात ये समय आपको नकारात्मक परिणाम देगा। हो सकता है आपको आपके कार्य में बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़े, और हो सकता है कि कोई आप पर झूठा एलिगेशन, यदि आप नौकरी कर रहे हैं, झूठा एलिगेशन भी आप पर लगा दे जिससे आपकी रेपुटेशन खराब हो सकती है, तो इसका आपने विशेष ध्यान रखना है। जो लोग सेल्स एंड मार्केटिंग में हैं, या जो लोग कमीशन की जॉब में हैं, या जो लोग कंसल्टिंग बिजनेस में हैं, आपको 21 जुलाई के बाद थोड़े अपने कार्य को और अपने बिजनेस को लेकर पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। देखिए, जो स्टूडेंट्स बाहर जाना चाहते थे और किसी कारणवश आप नहीं जा पा रहे थे, अथवा जो लोग बाहर जाकर कुछ बिजनेस या जॉब करने की सोच रहे थे, तो आने वाले समय में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और यदि आप थोड़ी मेहनत करेंगे तो आपको आने वाले समय में उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। देखिए, ये समय आपको अपने कार्य में या बिजनेस में बहुत अधिक मानसिक या शारीरिक तनाव भी दे सकता है, तो इसका आपने विशेष ध्यान रखना है। देखिए, 2 और 3 जुलाई को और 28 से लेकर 30 जुलाई के बीच आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट ना करें और ना ही कहीं पैसा लगाएं, अन्यथा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपका मन अशांत रहेगा, और जो लोग नौकरी कर रहे हैं, हो सकता है आप नौकरी चेंज करना चाहें या छोड़ने की सोच सकते हैं, ऐसा ना करें। तो ये था वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ कैरियर और आपके व्यवसाय संबंधित।
तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके लिए स्वास्थ्य संबंधित जुलाई का महीना कैसा रहेगा। तो ये समय आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको अपना विशेष ध्यान रखना है। आप किसी भी छोटी से छोटी बीमारी को नज़रअंदाज ना करें, अन्यथा आपको इस समय उसके बहुत खराब परिणाम देखने को मिलेंगे। आपको अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है। इम्यूनिटी को आप इम्प्रूव करिए जिससे आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़े। आपको यदि सांस लेने में प्रॉब्लम है और यदि आप पहले से ही आपकी लंग्स में थोड़ी प्रॉब्लम है तो वर्तमान स्थिति को भी देखते हुए आपको बहुत अधिक सावधान रहना पड़ेगा। आप धूल आदि से बचें और बाहर अपनी मूवमेंट कम से कम रखें। आपको मैं इसके उपाय इस वीडियो के अंत में बताऊंगा, अपने उपाय के जो सेक्शन है मेरा। देखिए, ये था वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधित जुलाई का महीना कैसा रहेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके फाइनेंस या वित्त संबंधित जुलाई का महीना कैसा रहेगा। देखिए, ये समय आपके फाइनेंस को लेकर ठीक नहीं है। आपके खर्चे बहुत अधिक बढ़ सकते हैं, आपका मन विचलित रहेगा और आप अलग अलग दिशाओं में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना है। बहुत अधिक आवश्यकता पड़ने पर ही खर्च करें, क्योंकि आपका खर्चा आपकी स्वास्थ्य को लेकर बहुत अधिक हो सकता है। इसलिए अपना पैसा बचा कर रखें और अनावश्यक खर्चों से दूर रहें। देखिए, 16 से 18 जुलाई के बीच आपको कहीं से पैसा मिलने की संभावना बनी हुई है। हो सकता है आपने कहीं इन्वेस्ट किया हो और उसका रिटर्न आपको नहीं मिल पा रहा हो, अथवा आपने किसी को उधार दिया हो और आपका पैसा वापस नहीं मिल पा रहा, तो इन दिनों आपको वो पैसा वापस मिलने की भी संभावना बनी हुई है। तो ये था वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए फाइनेंस या वित्त संबंधी जुलाई का महीना कैसा रहेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि परिवार संबंधित जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, 21 जुलाई तक का समय आपके घर में बहुत अधिक तनाव बना रहेगा। इस समय आपको अपनी माँ और पिताजी के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना है। ये समय आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है। यदि आप वाहन चलाते हैं तो 21 जुलाई तक तो थोड़ा ध्यान से चलाएं, और यदि आवश्यकता नहीं है तो ना चलाएं, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये था वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए परिवार संबंधी जुलाई का महीना कैसा रहेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लव और रोमांस या प्रेम संबंधों के बारे में, जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, जो लोग सिंगल हैं उनका 16 से 21 जुलाई के बीच कोई लव अफेयर शुरू हो सकता है। आप किसी के प्रेम में पड़ सकते हैं। ये समय प्रेम संबंधों को बढ़ावा देगा। देखिए, जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए ये समय थोड़ा तनाव दे सकता है। स्पेशली 11 से 13 जुलाई का समय आपको थोड़े संबंधों के प्रति इमोशनल कर सकता है। जो लोग जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, आपने इसका विशेष ध्यान रखना है और अपने इमोशंस पर थोड़ा कंट्रोल करें, आपके लिए अच्छा होगा। तो ये था वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए रोमांस और प्रेम संबंधी जुलाई का महीना कैसा रहेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन उपायों की, महत्वपूर्ण उपायों की, जो जुलाई के महीने में वृश्चिक लग्न के जातकों को करने से आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। और देखिए, आपको रोज महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। हो सके तो आप सुबह शाम दोनों समय महामृत्युंजय का जाप करें। आप हर शनिवार भैरव जी के मंदिर जाएं और वहां राहु के बीज मंत्र ओम ह्रम ह्रीम रोम जैरावे नमः, इस मंत्र के जाप की आपने 11 माला आपको वहीं मंदिर में बैठकर करनी है। इसका आप विशेष ध्यान रखिए। आप 19 जुलाई और 27 जुलाई को, इन तिथि को आपने ध्यान रखना है, 19 जुलाई और 27 जुलाई को 5 नारियल लें और एक काले कपड़े में उसको बांधकर सूर्य अस्त के बाद कुष्ठ रोगी होते हैं उसको दान करें, अथवा आप इसको बहते जल में प्रवाहित करें, आपको लाभ मिलेगा। आपने इस तिथि का विशेष ध्यान रखना है, 19 जुलाई और 27 जुलाई को आपने करना है। देखिए, जिन जातकों का विवाह नहीं हो पा रहा है या उनके विवाह आदि में अड़चने आ रही हैं, तो उनको 2 जुलाई और 18 जुलाई को प्रदोष व्रत करना चाहिए। इस दिन आप सुबह जल्दी उठिए, सूर्य उदय से पहले उठिए और आप स्नान करके शिव मंदिर जाएं। वहां अपने 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है और आप इस दिन शिव चालीसा पढ़ें और छोटी कन्याओं को भोजन खिलाएं। इससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और आपकी जो भी विवाह आदि में अड़चने हैं वो
दूर होंगी। तो देखिए ये थे वो उपाय जिन्हें करने से जुलाई के महीने में आपको लाभ प्राप्त होगा, और यदि आप इसको लंबे समय तक करते हैं तो आपको इसका दीर्घकालिक लाभ भी प्राप्त होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए शुभ दिन और अशुभ दिन जुलाई के महीने में कौन सा रहेगा। देखिए यदि हम शुभ दिन की बात करें तो 18 जुलाई आपके लिए शुभ दिन है, और अशुभ दिन की बात करें तो 29 जुलाई आपके लिए अशुभ दिन है। तो 29 जुलाई को यदि आप कोई नया काम करने की सोच रहे हैं या आपकी कोई प्लानिंग है तो इस दिन टाल दें, ना करें, अन्यथा आपको थोड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये था वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए जुलाई 2020 कैसा रहेगा। शनिदेव आप सभी लोगों पर अपना आशीर्वाद बनाकर रखें। धन्यवाद।